तो आज हम लोग जानते हैं वर्ग और वर्गमूल में पूर्ण वर्ग किसे कहते हैं और पूर्ण वर्ग से संबंधित जो वर्ड प्रॉब्लम होते हैं उनको कैसे हल किया जाता है। पहले तो हम ये जान लेते हैं परफेक्ट स्क्वायर या फिर पूर्ण वर्ग होता क्या है। पूर्ण वर्ग उसी संख्या को कहा जाता है जिसका वर्गमूल पूर्ण संख्या में निकले, वो दशमलव में नहीं होना चाहिए या फिर फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, रेशनल नंबर में नहीं होना चाहिए। जैसे मान लीजिए अपूर्ण वर्ग होती कौन संख्याएं हैं, वही संख्याएं पूर्ण वर्ग होती हैं जो पहले से वर्ग की गई होती हैं। जैसे कि चार हो गया, दो का वर्ग होता है ना चार, तो चार एक पूर्ण वर्ग संख्या है। नौ हो गया, नौ किसका वर्ग होता है, तीन का होता है ना, तो नौ का वर्गमूल निकालोगे तो पूरा पूरा तीन आ जाएगा, चार का निकालोगे तो दो आ जाएगा। तो जो चार हो गया, नौ हो गया, सोलह हो गया, ये क्या है, ये पूर्ण वर्ग होती है। कौन संख्याएं होती हैं, पूर्ण वर्ग। अब देखते हैं उस पर जो सवाल है, वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 4931 में जोड़ने पर योगफल पूर्ण वर्ग हो जाए। मतलब अभी जो संख्या दी गई है ये पूर्ण वर्ग नहीं है, अगर इसका आप वर्गमूल निकालोगे तो इसका वर्गमूल पूर्ण संख्या में प्राप्त नहीं होगा। कह रहा कि इसमें कौन सी ऐसी छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या जोड़ दी जाए कि जोड़ने के बाद जो आएगा योगफल वो पूर्ण वर्ग हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसका जो वर्गमूल निकालेंगे वो भाग विधि से निकालेंगे। कौन सी विधि से, भाग विधि से। हमेशा ध्यान रखना जब भी कहे जोड़ने या घटाने की बात तो आप वर्गमूल निकालना कौन सी विधि से, भाग विधि से। अगर वो गुणा करने या भाग करने की बात करे तब वर्गमूल किससे निकालना है, गुणनखंड विधि से। तो यहां पर हम इसका वर्गमूल निकालेंगे भाग विधि से। कैसे किया जाएगा, देखो संख्या है हमारे पास 4931। भाग विधि से अगर वर्गमूल निकालना होता है तो सबसे पहले हम दांडी तरफ से जोड़े बनाते हैं दो दो के, एक जोड़ा दो जोड़ा। अगर कोई अंक अकेला का होता तो उसका अकेले का भी लास्ट में जोड़ा बन जाता है एक अंक का, नहीं तो कितने कितने बनते हैं, दो दो अंकों के। जितने जोड़े बनते हैं उतने ही अंक का आंसर भी आता है। जैसे इसका जो उत्तर आएगा वो उसमें कितने अंक होंगे, दो अंक होंगे। अब इसका वर्गमूल अगर हमको भाग विधि से चाहिए तो हम क्या करेंगे, ऐसा स्ट्रक्चर बना देते हैं। कई बार ऐसा मिलता है और कई बार ऐसे मिलता है। 4931 है, जोड़े बने और इस तरीके से बना देते हैं। दोनों का करने की विधि एक ही है। सबसे पहला काम इसमें यह करना होता है, पहले जोड़े को पकड़ना होता है। पहला जोड़ा हमारा क्या है, 49 है, और वर्ग का पहाड़ा हमको पढ़ना है कि या तो 49 आ जाए या फिर 49 से कम रहे, या फिर 49 से कम रहे। हमको पता है कि हमारा 7 का जो वर्ग का पहाड़ा है, वर्ग का पहाड़ा वही था ना, एक एक कम एक, दो दूना चार, तीन तीन नौ, चार चौक 16, पांच पचम 25, तो 7 × 49 घटाओगे 49 में से 49 गया, कुछ नहीं बचा, ये जीरो हो गए ना। कुछ लोग कट्टम कुट्टम लगा देते हैं, लगाना तो कायदे जीरो ही चाहिए। अब जितनी बार गया है उसको इसमें क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। जोड़ोगे तो 7 और 7 कितना हो जाएगी, ये 14। अब अगले जोड़े को हम उतार लेते हैं। अब हमको इसके बगल कोई अंक लाना होता है अपनी मर्जी से, लेकिन जो भी अंक लाओगे उतनी ही बार आपको इसमें पहाड़ा भी पढ़ना होगा। जैसे एक लाते हो तो एक बार लेके जाओगे, एक से इसमें गुणा करोगे, जो आएगा यहां लिखोगे। दो अगर यहां लगाते हो तो दो बार ले जाओगे और दो से इसमें पूरे में गुणा करके जो आएगा यहां लिखोगे। हमारे सामने जो संख्या मिल रही वो 31, अगर हम एक भी ला देते हैं तो एक से गुणा करोगे तो 141 आ जाएगा ना, जो कि इससे ज्यादा है। क्या है, हमको करना क्या है, जो हमारी ये संख्या मिली है ये अभी कम है, ये पूर्ण वर्ग नहीं, इसमें अलावा हमको और जोड़ना है। अगर हमको वर्गमूल की केवल निकालना होता, पूर्ण वर्ग ना बनाना होता, तो हम जीरो बार ले जाते। कितनी बार, क्योंकि एक बार में भी ये इससे ज्यादा हो जाएगा कि नहीं भाई, एक बार ले जाओगे तो 141 आएगा जो कि 31 से ज्यादा है, हम एक बार नहीं ले जा सकते। हम फिर कितनी बार ले जाते, जीरो बार ले जाते, लेकिन यहां पर हम एक बार लेके जाएंगे।
एक बार लेके जाएंगे। क्यों लेके जाएंगे? ताकि जो आए उससे ये कम हो, कम ये साबित हो। जब ये कम साबित होगी ये संख्या, तभी तो इसमें हम जोड़ेंगे, तभी तो जोड़ेंगे ना। और अगर ये पहले से ही ज्यादा होगी तो जोड़ने वाली बात आएगी नहीं। जो कम होगा उसी में तो जोड़ा जा सकता है। तो हम इसको ले जाएंगे कितनी बार? एक बार, जबरदस्ती है ना। तो एक बार ले जाओगे तो एक से गुणा करोगे, आएगा कितना? 141। अब जब घटाने की बारी आएगी तो ऊपर में से नीचे वाले घटाते हैं, यही तो करते हैं, माइनस करते हैं ना इसको। लेकिन बात यह है कि ऊपर वाला दिखने में कम है, लेकिन कम थोड़ी है, माइनस वाली चीजें कम होती हैं। हम 141 में से 31 को घटा देंगे, हमारा उत्तर आ जाएगा कितना भाई? एक में से एक गया जीरो, चार में से तीन गया एक, और इसमें से कुछ नहीं, जीरो जा रहा था, ये एक आ जाएगा। मतलब माइनस का 110 आ रहा है, जो कि माइनस में है, मतलब बता रहा कि इतना कम है। अगर इतना कम ना होता तो एक बार में हमारा ये पूरा पूरा कट गया होता, कट जाता ना। इससे पता लग रहा ना कि 110 की इसमें कमी है। अब दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि क्या हम दो बार ले जाते तब भी तो पूर्ण वर्ग बना सकते थे भाई। दो बार ले जाते, दो दूना चार लिखते, दो चौको आठ लिखते, दो एक कम दो, कितना हो जाता? 284 है ना। और 284 में ये देखते कि 31 कितना कम है, उतना जोड़ देते तभी तो पूर्ण वर्ग बन जाता। इसीलिए यहां पे कह दिया है कि नहीं, छोटी से छोटी होनी चाहिए। तो छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या, इसीलिए हम एक ले गए हैं। कितना ले गए हैं? हम दो बार ले जाते, तीन बार ले जाते, चार बार ले जाते, तब भी ये पूर्ण वर्ग बन सकता था उस संख्या को जोड़ने पे, है ना। लेकिन हम एक ही बार ले गए हैं, क्यों? क्योंकि वो कह रहा है छोटी से छोटी। तो 110 ये जो बता रहा है ये क्या है? ये कम है, ये जो है इतना कम है। इसको अगर हम इसमें जोड़ देंगे तब जो आएगा वो पूर्ण वर्ग पक्का है, हो जाएगा। तो यहां लिखेंगे, चूंकि 4931 में 110 की कमी है ना कमी, अतः 4931 में 110 जोड़ने पर योगफल जो होगा, योगफल पूर्ण वर्ग हो जाएगा, पूर्ण वर्ग होगा। अब देखो, चेक करना चाहो तो कर सकते हो, चलो चेक करते हैं। क्या करते हैं? चेक करते हैं उत्तर की जांच। उत्तर की जांच करके देख लेते हैं कि हमारा जो आया है वो सही है कि नहीं है। हम 4931 में जोड़ देंगे, जो हमारा कम था, कम कितना था? 110। अब जोड़ोगे तो ये कितना हो जाएगा? 1, 3, 1, 4 और 9, 1, 10 के 0, 4, 1 कितना हो जाएगा? 5। ये संख्या हमें प्राप्त हो रही है, इसका हम लोग वर्गमूल निकालते हैं और देखो ये पूरा पूरा कट जाएगा। तो 5041। काम क्या है? पहले जोड़ा बना देंगे, है ना। अब की बार इस तरीके से निकालते हैं। पहला जोड़ा 50 है, 7 का पढ़ना है हमको, 7 × 7 = 49 घटा दोगे कितना मिलेगा? 1। अगला पूरा जोड़ा उतर आएगा 41, जितना यहां रहे उसका दूना कर दो, 7 × 2 और इसके बगल हमको कोई एक अंक लाना है, और जो लाओगे उसी से गुणा करोगे, बस इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, यही तो होता है वर्गमूल का नियम। तो यहां पर आएगा कितना? 1। एक बार ले जाओगे तो एक से गुणा करोगे, इसमें आ जाएगा 141। पूरा पूरा कट जा रहा है और आंसर हमारा आ रहा कितना? आंसर आ रहा है 71। मतलब अब हमारी ये जो संख्या है ये पूर्ण वर्ग हो चुकी है। क्लियर बात?